दोस्तों, क्या आप जानते हैं भोलेनाथ को क्यों एक बालक के घर उसके मामा बनकर आना पड़ा था? और क्या हुआ जब एक बालक की पसीना गिर जाता है शिवलिंग के ऊपर? दोस्तों, एक बार एक लड़का शिवलिंग के ऊपर चढ़कर बेल का फल तोड़ रहा होता है। गलती से शिवलिंग के ऊपर कुछ बेल पत्ते और उसके शरीर का पसीना गिर जाता है और शिवलिंग का अभिषेक हो जाता है। जब कुछ गाँव वाले लड़का को शिवलिंग के ऊपर खड़े होना देख लेते हैं तो उसको बहुत डांटते हैं और वहां से भगा देते हैं, जिसके कारण वो दुखी हो जाता है। दोस्तों, शिवलिंग अभिषेक हो जाने की वजह से महादेव वहीं प्रकट होकर उस लड़के को पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो? मैं तो तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। लड़का बोलता है, मैं उस फल को ले जाना चाहता हूँ, क्या आप उस फल को तोड़कर दे सकते? फिर महादेव उस फल को तोड़कर उस बच्चे के हाथ में दे देते हैं। महादेव उस बच्चे को बोलते हैं, बेटा तुम बहुत भोले हो, तुम कुछ और वर मांगो। बच्चा बोलता है, मेरे माँ बोलती है जब भी मेरे मामा आएंगे वो बहुत सारे खिलौना लेकर आएंगे, क्या तुम मेरे मामा को आज हमारे घर ला सकते? महादेव तथास्तु कहकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। दोस्तों, फिर वह बच्चा घर आकर ये पूरी बात अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है, क्योंकि उसकी मामा सालों पहले मर चुका है, भला मुर्दा आदमी को कौन ला सकता है। कुछ समय बाद उस बच्चे के घर में भगवान शिव उसके मामा के वेश में बहुत सारे खिलौना लेकर आते हैं, जिसको देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है और महादेव के गले लग जाता है। बाकी उसकी माँ समझ जाती है कि ये और कोई नहीं है बल्कि ये स्वयं महादेव है, जो कि मेरे बच्चे की खुशी के लिए उसकी मामा के वेश में वहीं आए। फिर वह भोलेनाथ के पैरों तले पड़ जाती। शिव जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मृत भाई को जीवित करके संसार चक्र में विघ्न नहीं डाल सकता हूँ, किंतु जब भी उसको अपने मामा की जरूरत पड़ेगा मैं उसका मामा बनकर उसके सामने खड़े तो हो सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग भी भोलेनाथ को भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।